नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों समय कब किस का बदल जाए यह बात कोई कह नहीं सकता। जी दोस्तों, यहाँ पर सब किस्मत का खेल है, कर्मों का खेल है। जी दोस्तों, इस धरती पर जिस भी इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं दोस्तों, उनका फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। जी दोस्तों, और यह समय आप सभी को अच्छे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी की कुंडली में ग्रहों की शुभ स्थिति होने के साथ साथ धन योग और राजयोग का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, ग्रहों की यह स्थिति दर्शा रही है कि यह समय आपका समय गोल्डन समय साबित होने वाले हैं। सोने का महल जैसा समय अब आप सभी का आ चुका है। जी दोस्तों, मानो आपको सोने का महल मिलेगा। जी दोस्तों, और इस दुनिया में आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं। सोने की महल की तरह अब आपकी जिंदगी भी जगमगाने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब से आप सभी के जीवन काल में जितनी भी आर्थिक तंगियां हैं, जितनी भी संकट समस्याएं हैं दोस्तों, वे सभी खत्म होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान दंडाधिकारी शनिदेव के आशीर्वाद भी आप सभी के जीवन काल पर मिलने वाले हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको खुश कर देने वाले साबित होंगे। परंतु दोस्तों, जहाँ भगवान शनिदेव की बात है तो दोस्तों दंडाधिकारी है, इसके अनुसार आप कोई भी गलती ना करें और आने वाले 36 घंटों के अंदर आपको जो लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, उनमें जो बातें हम बताने वाले हैं इन्हें गौर से सुने, क्योंकि दोस्तों ये बातें ही यश में आपको काम आने वाली है। अगर आप इन बातों को जान लेंगे तो दोस्तों सफलता पाने में आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बहुत ही भाग्यशाली व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे ज्ञान से, बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में अवश्य ही याद रखनी चाहिए। जी दोस्तों, ये बातें अगर आप याद रखते हैं तो दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छा अच्छा बदलाव होगा और यह बातें आप खुद देख पाएंगे। तो दोस्तों इन बातों को आप जो है बहुत ही गौर से सुने कि दोस्तों मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम यह होता है कि दूसरों के दोषों का सुधार तो होता नहीं। दोषों का लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से उसके अपने अंदर घर कर लेते हैं। जी दोस्तों, इससे पहले के रहे दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है, फिर अपने दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है जिससे पतन का रथ प्रारंभ हो जाता है। जी दोस्तों, जब मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है तब स्वाभाविक ही वह मानता है कि मुझमें कोई दोष नहीं है, गुण है। इन गुणों से अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटी फिर उसका जीवन ही दोषमय बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अगर अपने जीवन काल में दूसरों को सुधारने के चक्कर में हैं तो दोस्तों आज ही इन्हें बंद करें और खुद के अंदर आप सबसे पहले दोष झांकें, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान की कोई न कोई गलती अवश्य होती है, बस आप उस गलती को पहचानें और उन्हें सुधार करने का प्रयास करें। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि अगले 36 घंटों के अंदर ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों यश में कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, साथ ही सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। आपको बता दें कि आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें लोग आपकी योग्यता के यश में कायल होंगे। कई प्रकार की रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी पेशा फंसा हुआ है यश में आपको मिल सकता है। परंतु दोस्तों यश में सावधानी की बात करें तो यश में ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको लक्ष्य से भटका सकता है। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आप गौर करें। दोस्तों मन से मन को संयमित रखें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, कोई निर्णय लेने में दिक्कत तो आएगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, उनमें सुधार आएगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यात्रा से संबंधित निर्णय में थोड़ा बदलाव आ सकता है। यात्रा करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज और पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपके लापरवाही की वजह से यश में नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। तो दोस्तों खासकर आपको बता दें, यश में आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों सतर्कता जरूर रखें। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए आपको अपने जीवन शैली में जो है थोड़ा सा बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। आपको बता दें घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है। किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीफ में उनकी सहायता करना आपको इसमें आत्मिक खुशी भी प्रदान करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क भी इसमें आपके बढ़ने वाले हैं, जो कि भविष्य में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी अथवा वाहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिजूल खर्ची पर यश में आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आकस्मिक ही कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे। योजना को जो है क्रियान्वित करने में कुछ परेशानी भी यश में आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो उनकी गति आगे बढ़ते रहेंगे और परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे। आपको बता दें कि पैसे से संबंधित तकलीफें कम भी होंगी, क्योंकि दोस्तों आप अपने कार्यों में बहुत अधिक तरीके से ध्यान को केंद्रित भी कर पाएंगे। परिवार की व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित लाभ मिल पाना ऐश्वर्य के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। फिर भी दोस्तों व्यक्ति के प्रति मन में बढ़ते हुए रोष को खुद पर हावी न होने दें, इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि दोस्तों आपके अंदर बना गुस्सा और मानसिक तकलीफ होने की वजह से किसी भी बात पर पूरा ध्यान दे पाना ऐश्वर्य आपके लिए कठिन होगा, तो जरूर इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थी तथा युवा वर्ग शिक्षा संबंधी कोई दुविधा दूर होने से आपको राहत महसूस होगी तथा अपने फैसले स्वयं लेने की हिम्मत भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और सलाह आपकी उन्नति में सहायक साबित होंगी। आपको बता दें यश समय अपने अंदर शक और वहम जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें, क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें, गलत जगह पूंजी निवेश भी हो सकती है, इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बेवजह खर्चा होने की आशंका तो बन रही है, इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझकर निर्णय लेने का आवश्यकता होगा, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हड़बड़ी में निर्णय न लें, ना ही पूरी बात को जाने बिना बूझे निर्णय लें। तो दोस्तों बहुत ही सतर्कता से निर्णय लें, यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काफ़ी दिन से चल रही व्यस्तता के कारण आप जो है यश में आराम करने के मूड में भी रह सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन संबंधी योजनाएं चल रही है तो दोस्तों उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, जल्द ही उचित परिणाम सामने आएंगे। परंतु ये जो समय है आपके लिए धन के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यश में महत्वपूर्ण होंगे, तो इस बात पर गौर करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियाँ समान ही रहेंगी, यश में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श भी होगा। नई पार्टियों से ऑर्डर लेते समय सोच समझकर निर्णय लें। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में कोई भी डील यश में संभव ही हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां का प्रदान करेंगे। परंतु यश में राजकीय मामलों को लेकर सचेत रहना आपके लिए जरूरी होगा। ऑफिस में बॉस अथवा उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है, इस बात पर गौर करें। यश में धैर्य और संयम का दामन आपको थामे रखना है, इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, टैक्स लोन जैसे मामलों में कुछ उलझने भी उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं, इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप निष्ठा से नहीं करेंगे तो फिर आपकी पदोन्नति में विघ्न आ सकते हैं, तो इस बात पर गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा, पुरानी यादें भी ताज़ी होंगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आने वाली है।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि घर परिवार का वातावरण यह समय अनुशासित तथा व्यवस्थित बना रहेगा। आपसे संबंधों में भी मधुरता और उचित तालमेल बना रहेगा। इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यस्तता के साथ साथ विवाहित संबंधों तथा घर परिवार के लिए समय अवश्य निकालें। इससे आपसी सामंजस्य तथा प्यार बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय यशमय नष्ट ना करें। इनसे आपको यशमय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें विवाहित जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका गुस्सा इसमें प्रेम संबंधों में तकरार उत्पन्न कर सकता है। इस बात पर गौर करें। साथ ही प्रेम संबंधों में इसमें नजदीकी आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय शारीरिक और मानसिक आराम भी आपको करना जरूरी है। इसमें कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें और मनोरंजन आदि में समय को व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर होंगे। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी होंगे जिनका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। मेडिटेशन तथा योगा भी आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर साबित होंगे।